भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का रविवार को खेरोदा में स्थित राष्ट्रीय वाटिका होली स्नेह मिलन हुआ तथा विजय उत्सव में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री व सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर ने भी सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी तथा कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा में कमल खिलाने का आह्वान किया। वल्लभ नगर प्रभारी हेमंत सिंह झाला ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करावें। विकास कार्यों का भी सांसद मत तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के माध्यम से करवाने का आश्वासन भी दिया। देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार ने सभी कार्यकर्ताओं को जिले का प्रदेश के निर्देश अनुसार सभी मंडलों में कार्य करने को कहा एवं जिला परिषद के माध्यम से हर पंचायत में विकास कार्य करवाने का वादा किया। कार्यक्रम में प्रवासी करण सिंह राव, देहात जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, महामंत्री चंद्रगुप्त सिंह चौहान, नते खां पठान, वल्लभ नगर मंडल अध्यक्ष भंवर लाल भट्ट, मेनार मंडल अध्यक्ष दुर्गेश मेनारिया, हेता मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी राव, भीड़र मंडल अध्यक्ष मुरली मनोहर तिवारी, कानोड मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष गंगाराम डांगी, किरेश्वर मंडल अध्यक्ष लच्छीराम पाटीदार, वल्लभ नगर पंचायत समिति प्रधान देवीलाल नंगार सी, कुराबड़ प्रधान कृष्णा मीणा, युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी मंडलों से पधारे हुए पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष और इस वल्लभ नगर और वल्लभ नगर स्वास पधारे हुए हमारे नरेंद्र सिंह जी, आसुरिया साहब, प्रवासी महोदय करण सिंह जी और आप सब वरिष्ठ पदाधिकारी, इसका नाम जो किया और गलती से आपसे माफी लेंगे। आज ये होली मिलन कार्यक्रम और चार राज्यों में जो भारत भगमावे होने जा रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को एक नई दिशा मिली है और नई दिशा के साथ साथ अब चार राज्यों में भारत भाजपा की जो सरकार बनी है उसके विजय के उपलक्ष्य में वल्लभ नगर के सभी मंडल अध्यक्षों से चर्चा करके आनंद फानंद में ये जो कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम 17 तारीख को होली। न्यूज 21 के लिए जयदीप चौबीसा की रिपोर्ट।